बंगलुरु दंगों का खौफनाक सच उजागर। कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा को सौंपी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में प्री प्लान्ड इस्लामिक जिहाद का सच एक्सपोज्ड। ये कमेटी 11 अगस्त को बंगलुरु में हुए दंगों के बाद गठित की गई थी, जिसमें एक रिटायर्ड जज, पूर्व डीजीपी, आईएएस, आईआरएस, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, सोशल वर्कर और वकील शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 11 अगस्त को बंगलुरु में हुए दंगे एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। दंगे प्री प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। दंगे में सोची समझी साजिश के तहत हिंदू घरों को निशाना बनाया गया और लूटपाट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों को इसीलिए अंजाम दिया गया ताकि सरकार में लोगों का विश्वास कम हो, हिंदुओं में दहशत बढ़े और वो घर छोड़कर चले जाएं। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दंगों का मकसद लैंड जिहाद था, ताकि हिंदू दहशत में आकर अपने घरों को छोड़कर चले जाएं और इलाके की डेमोग्राफी बदली जा सके। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ है। कमेटी ने सिफारिश की है कि यूपी की तर्ज पर दंगों में प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई दंगाइयों की प्रॉपर्टी अटैच करके उगाहनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दंगे दिल्ली और स्वीडन के पैटर्न पर हुए हैं, इसीलिए सिफारिश की गई है कि इसके पीछे गहरे तारों की साजिश को खंगाला जाना चाहिए। इसको लोकल और छोटे मोटे दंगे समझकर छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस साजिश में जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग की जांच एनआईए द्वारा कराए जाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में साफ है कि कैसे एक फेसबुक पोस्ट को बहाना बनाकर प्री प्लान दंगों को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा कि एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, पी नवीन कुमार के अलावा दर्जनों हिंदुओं के घरों को जलाया गया और उनमें लूटपाट की गई। इन हमलों में डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन को भी फूंक दिया गया था। साथ ही 36 सरकारी वाहनों, 233 प्राइवेट वाहनों, एक एटीएम, स्ट्रीट लाइट और उसके अलावा दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। बहरहाल इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद सच पूरी तरह से उजागर हो चुका है। अब सरकार पर है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाए।